हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आमरस की रेसिपी। जी हाँ, ये समर रेसिपी है, बहुत ही डिलीशियस बनता है कच्चे आम का रस। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। हाँ, मेरे घर पे आम का झाड़ है, तो मैंने ये मल्ली का आम है, मैंने एक आम तोड़ा और मैं एक ही आम की आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो पहले हमें इसे उबालना है, बस इसमें एक ग्लास पानी डालें और लेट लगाकर इसे करीब 3 से 4 विसल तक के आपको बॉईल करना है, ताकि जो अंदर का पल्प है आम का वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए अब हम 3 से 4 विसल के बाद देखते हैं। तो आम का पल्प बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है और इसकी जो गुठली थी वो भी बाहर आ चुकी है। चलिए अब इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यह अपने मनपसंद आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं और 3 से 4 इलायची फ्लेवर के लिए ले लें। यहाँ मैंने लगभग 1 कटोरी जैगरी लिया है, यहाँ पे आप चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, और ये गेहूं का आटा है। तो जो हमारा पल्प था, अब हम जो छिलका और गुठली है इसमें से पूरी तरीके से पल्प एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये अभी थोड़ा गर्म था इसलिए मैं इसे ठंडे पानी में रखूंगी और फिर इससे पूरा पल्प निकाल लूंगी। अगर आप चाहें तो आप स्पून की मदद से भी इसे निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरा पल्प आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। और अब इस पल्प को हमें मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेना है, तो बिल्कुल हल्का सा चलाइए ताकि ये एक समान हो जाए, जस्ट लाइक दैट। ये अभी एकदम स्मूथ हो चुका है। तो अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून घी लिया है। अब जो हमारे ड्राई फ्रूट्स थे इसे आप रोस्ट कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक के। ये इलायची पाउडर है, जैसे ही आपकी ड्राई फ्रूट्स गोल्डन ब्राउन होने लगे तो उसमें इलायची पाउडर डाल दें और इसे एक बार फिर से चला लें। अब यहाँ पे आपको लगभग 2 से 3 टीस्पून के करीब आपको गेहूं का आटा डालना है। इससे क्या होगा कि एक अच्छी तरीके से बाइंडिंग आ जाएंगी और जो हमारा आम का पल्प था उसमें भी एक स्मूथ सी बाइंडिंग आ जाएगी और एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा। तो इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए जब तक ये खुशबू ना आने लगे, और जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगा तो हम इसमें अपना पल्प डाल देंगे और इसे हिलाते रहे। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें जैगरी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके जैगरी डालूंगी क्योंकि मुझे अभी अपने आम की खटास का अंदाजा नहीं है। तो अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं फिर इसमें और जैगरी ऐड करूंगी। तो यहाँ मैंने लगभग आधा ही कटोरी जैगरी ऐड की है। अब इसे पकने दें, ये धीरे धीरे इसमें घुल जाएगा। तो मुझे ये थोड़ा खट्टा लग रहा था तो मैंने इसमें जो पूरा जैगरी था लगभग 1 कटोरी वो पूरा इसमें डाल दिया है। ये अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, तो अभी हमें इसे लगभग 5 से 10 मिनट तक के पकाना है। देखिए, जो हमारा आम का रस था वो बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है, बहुत ठीक हो चुका है। तो बस इसे आपको 5 से 10 मिनट पकाना है और फिर आपका आम का रस रेडी हो जाएगा। तो ये मेरा आम का रस रेडी हो चुका है। चलिए अब इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते होंगे कि ये अभी से कितना ही टेस्टी लग रहा है। तो दोस्तों, ये कच्चे आम का रस हाजिर है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी तो समर की मस्त रेसिपी है, इसे हमारे इधर तो समर में बनाया ही जाता है, आप भी इसे ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसे ट्राई किया है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।